ME310 मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 15 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आई एम प्रदीप मथुरिया फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूनिट 15। पिछले चार पार्ट अपने जो पढ़े थे वो ISO के बारे में थे, ISO 9000। चैप्टर आपकी यूनिट है ISO 9000 एंड TQM। तो 80% पार्ट तो ISO 9000 को लेकर टॉपिक हैं चार, और पाँचवा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये इंट्रोडक्टरी है, लेकिन इसको फिर भी इसको दो पार्ट में बना के थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में बहुत काम का कॉन्सेप्ट है जो पहले नहीं होता था, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियों में कभी काम करेंगे तो उसमें ISO 9000 एंड TQM ये एनवायरनमेंट तो हमेशा ही मिलेगा। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से भी स्पष्ट है क्या होगा। टोटल क्वालिटी मतलब कंप्लीट क्वालिटी का मैनेजमेंट, कि हमें हर तरीके से जितने भी फील्ड में एस्पेक्ट होते हैं कंपनी में उसमें हर जगह फाइनल क्वालिटी अचीव करनी है। प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस एंड एम्स फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। एक तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ये कस्टमर फोकस्ड होता है। कस्टमर की फोकस्ड का मतलब कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर को डेवलप करना अपने यहाँ। ऐसा नहीं है कि हम जो बना रहे हैं बस आपको लेना पड़ेगा, कस्टमर से पूछना कि आपकी डिमांड क्या है। प्लस कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये माना जाता है TQM में कि कभी भी कुछ फाइनल नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। इट स्ट्राइव्स टू एंश्योर ऑल एसोसिएटेड एम्प्लॉइज वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी एज वेल एज इम्प्रूविंग द प्रोसीजर दैट आर इन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें देखिए आप, ये एसोसिएटेड है, सभी जो भी काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो सभी कॉमन गोल की तरफ अचीव हो रहे हैं। जैसे मार्केटिंग सेक्शन पूरा उसका कॉमन गोल है मार्केट इंक्रीज करना है, क्वालिटी कंट्रोल वाले का रोल है हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो उसमें डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो सब एक ही गोल पर काम करते हैं, तभी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है या उसकी सर्विस इम्प्रूव होती है। और ये प्रोडक्शन के फील्ड में भी है, जो प्रोसीजर बनाया है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की डायरेक्शन हो सकती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स। अब इसका एक फिर एक नया फीचर हुआ है, या आप कह दें नई डेफिनेशन, वो ये भी हो सकती है कि हम हमारे ऑनगोइंग जो प्रोसेस चल रहा है फैक्ट्री में उसमें कहाँ कहाँ कमियाँ ढूंढ सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं या उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो हो ही नहीं, रूट कॉज एनालिसिस करके हम उसको ये ढूंढें कि ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर टू स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड एंश्योर दैट एम्प्लॉइज आर ट्रेंड। इस पार्ट में मैन्युफैक्चरर स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब प्रोडक्शन से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक कहीं पर भी आपकी सप्लाई चेन बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट काम करना चाहिए कि ऑर्डर पहले से प्लेस हो जाए, न रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो न फिनिश मटेरियल का स्टॉक हो, और कस्टमर सर्विस भी लगातार इम्प्रूव होती जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि हमारे सारे एम्प्लॉइज ट्रेंड हैं, तभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है। ऐसा नहीं है जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, अगर एक घर जो होता है जिसमें केवल घर की माँ पूरे घर की देखभाल करती है और फादर ने अखबार पढ़ के कहीं डाल दिया, चाय का कप वहीं छोड़ दिया, तुम लोगों ने अपनी बुक्स वहीं छोड़ दी, किसी ने अपने कपड़े कहीं उतार दिए, अब मदर ही सब समेट रही है। अब वो क्या करेंगी, एक वो घर और एक ऐसा घर जिसमें फादर भी ये सोच रहे हैं मुझे घर साफ़ रखना है, तुम भी सोच रहे हो मुझे घर साफ़ रखना है, और मम्मी भी सोच रही है कि घर साफ़ रखना है, तो क्या होगा, वो घर में अंतर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर मदर क्या होगी, हो सकता है अगर वो हाउसवाइफ हैं तो वो अपने किचन से रिलेटेड सारे काम, हाउस होल्ड के चीज़, तुम्हारा काम क्या हो जाएगा कि मुझे कहीं कोई सामान नहीं पड़ा रहने दूंगा। फादर का काम क्या हो जाएगा कि घर में कोई भी शॉर्टेज है, डिस्क्रिपेंसी है, कुछ नल टपक रहा है या लाइट का तार स्विच काम नहीं कर रहा, वो उसको मेंटेन करेंगे तो पूरा घर एकदम चमक जाएगा, वही लोग काम करने वाले वही घर। तो TQM भी क्या करता है कि सारे लोगों को एम्प्लॉइज़ को ट्रेंड होना चाहिए उसमें। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कमी ढूंढेगा, इसी तरीके से ये एम्प्लॉइज़ भी ट्रेंड होने चाहिए। The focus is to improve the quality of an organization's output, including goods and services, through continual improvement of internal practices. अब focus क्या हो रहा है,
पूरी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे वो गुड्स सामान हो या सर्विस हो। यहाँ सर्विस से मतलब समझते हैं, जैसे आरओ बेच दिया लेकिन अब आरओ की सर्विस ज़रूरी है, आपने कार बेच दी लेकिन कार की सर्विस ज़रूरी है, आपको उनको फ्री सर्विस देते हैं। या कोई सर्विस इंडस्ट्री है, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब दूसरा आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको सॉर्ट आउट करनी है। और एक आप अपना जैसे मटेरियल जो बना के बेचते हैं, तो थ्रू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिसेस, ये लगातार प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होगा और इंटरनल जो प्रैक्टिस है आपकी काम करने की, जो एक आदत भी आ जाती है आदमी में हर काम को बेटर वे में करना, तो ये उसका एक पार्ट है। दूसरा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। अब क्वालिटी मैनेजमेंट जो था पूरे कंपनी में, उसमें मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले अधिकारी, मैनेजमेंट का मतलब है कि जो वर्कर से लेकर टॉप बॉट है वो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हर पर्सन अपने एंगल से वहाँ पर समानता का एक वोट होता है जिसमें हर आदमी की इक्वल वैल्यू होती है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर कुछ भी कमी होगी तो। तो ये ऐसा नहीं है कि सब ये हमारा डिसीजन नहीं था, अगर आपको लगता है रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो वर्कर कहेगा सब ये मटेरियल में मशीन मतलब प्रॉब्लम कर रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से वो सारे लोग मिलके एक ही गोल पे आ जाते हैं कि हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट टॉप का रखना है, हमें हमारी सर्विस अच्छी देनी है, हमारे प्रोडक्ट में किसी तरह का फ्लो नहीं होना चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस इज पुट ऑन फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग यूजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस टू मॉनिटर प्रोग्रेस। हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आर एनकरेज फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट एंड मॉरल है। विशेष जोर दिया जाता है डिसीजन मेकिंग पे जो फैक्ट बेस्ड होती है, तथ्यों पर आधारित कोई निर्णय, हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके लिए डिफरेंट टूल्स काम में लेते हैं, डिफरेंट मॉनिटर प्रोग्रेस होती है। हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कम्युनिकेशन को ये एम्प्लॉय के साथ में ये उनको भरोसा होना चाहिए कि हम जो कहें वो ऊपर सुना जा रहा है, और ऊपर वालों को ये भरोसा होना चाहिए कि हमें हम जो नीचे कह रहे हैं वो समझा जा रहा है। इस तरीके से एक दूसरे का मॉरल बूस्टअप रहता है, उत्साह बना रहता है, कोई एक नई चीज़ आती है तो उत्साह से सुनते हैं, अरे ऐसा क्या नया आया जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे से कुछ आया तो ऊपर वाले सुनते हैं, तो ये एक तरह का एक अलग तरह का रिलेशन बन जाता है TQM में। एक आप देख लीजिए एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, प्रोसेस अप्रोच, ये सब मिला के क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मर्ज करते हैं। कस्टमर फोकस का मतलब अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कस्टमर। अब यहाँ पर क्या होगा, TQM वाले सोचेंगे कि अभी के जो कस्टमर हैं और फ्यूचर कस्टमर हैं इनकी नीड क्या क्या चेंज हो सकती है। अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब TQM क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मापदंड हैं उनको अलाइन करेगा कस्टमर की जरूरत और उम्मीद के हिसाब से। ये यहाँ पे देखिए इस TQM में बहुत बड़ा जोर दिया गया है कस्टमर के ऊपर। इसी वजह से क्या होता है, कभी 4 इंच का फ़ोन आता है, कभी 6 इंच का फ़ोन आता है, तो देखा जाता है मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग स्लिक मॉडल चाह रहे हैं, लोग लॉन्ग बैटरी लाइफ चाह रहे हैं, लोग हेडफोन चाह रहे हैं, तो इस तरीके से कंपनी अपना लगातार डेवलपमेंट करती जाती है, मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। फिर कस्टमर फोकस में दूसरा क्या होता है, मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं उसको चेक करना, मैनेज करना कस्टमर रिलेशनशिप को, एम टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा खरा उतरना, कस्टमर करे अरे ये तो और भी अच्छी चीज़ आ गई, लर्न मोर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मार्केटिंग आती है, किसी को सर्विस देना आता है, तो वो भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं होता, उसको बेचना और उसको सेटिस्फाई रखना, कस्टमर को रिटेन करके रखना और नया कस्टमर बेस बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से ISO और TQM दोनों इसमें हेल्प करते हैं। लीडरशिप, ये भी TQM का पार्ट है, एस्टेब्लिश ए विजन एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सेट चैलेंजेस गोल्स, चैलेंजिंग गोल्स, गोल सेट करना, मॉडल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज बताना, एस्टेब्लिश ट्रस्ट, इक्विपमेंट एंड एम्पावर एम्प्लॉयज, इक्विप एंड एम्पावर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को पावर देना, उनको पूरे टूल्स देना। जैसे आज मान लो कोरोना फैला हुआ है, अब PPE किट भी होना चाहिए, गॉगल्स भी होने चाहिए, हेलमेट भी होना चाहिए, या दूसरी जो भी चीज़ें जरूरत की, तो आपने अपने टूल को एक वॉरियर को पूरे इक्विपमेंट दे दिए, तो एम्प्लॉय क्या है, आपका एक वॉरियर है, उसको आप एम्पावर भी करो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास पूरे टूल्स भी हैं, मेरे पास सारे सेफ्टी गार्ड्स भी हैं। रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर उनका है तो आप उसको रिकॉग्निशन दीजिए। लर्न मोर अबाउट लीडरशिप,
लोगों को, इंजीनियर को, स्टाफ को लीडरशिप क्वालिटी के बारे में सीखना है। तो टोटल ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है, TQM अंदर से हर आदमी को एक लीडर बनाता है कि हर आदमी लीडर की तरह काम करे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना है लोगों को, एंश्योर के पीपल का एबिलिटीज़ है वो पूरी तरीके से यूज़ हो रही है, मेक पीपल अकाउंटेबल, आप उनको जिम्मेदार दो, जिम्मेदारी दो उनको, ठहराओ कि नहीं ये काम आपकी जिम्मेदारी है, आपने बहुत अच्छा किया है, कमी है तो हम आपको हेल्प करेंगे। एनेबल पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, उनका पार्टिसिपेशन लगातार होना चाहिए। एवेल्यूट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हर एक की अपनी अपनी परफॉर्मेंस चेक करो, कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलेगा दूसरे को भी। एनेबल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ सीखना दूसरे को सिखाना। इनेबल ओपन डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर है सबके सामने चुप बैठे हैं, नहीं सबको बोलने का अधिकार है। अब क्लास में टीचर आके कहते नहीं कोई कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और एक टीचर कहते जिसको जो पूछना है बोलो, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी बताओ, बताओ क्या होगा पार्टिसिपेशन, टीचर की टीचिंग इंप्रूव होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। लर्न मोर अबाउट एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉई कैसे इन्वॉल्व हो इसके बारे में सीखना चाहिए, तो TQM के लीडर्स को ये भी सीखना पड़ता है। प्रोसेस अप्रोच क्या है, मैनेज एक्टिविटीज एज प्रोसेसेस, मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई लिंकेज बिटवीन एक्टिविटीज, प्रायोरिटाइज इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिप्लॉय रिसोर्सेज इफेक्टिवली, लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस व्यू। प्रोसेस अप्रोच क्या हो गई, आपने देखा होगा हर पॉइंट का लास्ट देखिए, लर्न अबाउट मोर एम्प्लॉय, लर्न अबाउट लीडरशिप, यहाँ पे लर्न अबाउट मोर प्रोसेस एनालिसिस, कि आपको एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उस एक्टिविटीज़ को कहाँ तक ले जा सकते हैं, उसके बीच में कोई लिंक है क्या उसको आइडेंटिफाई करना, कोई एक्टिविटी को कहाँ पहले लेना है कहाँ बाद में लेना है इसको प्रायोरिटाइज करना, और रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग आदमियों को या रिसोर्स को वहाँ पे इफेक्टिवली लगाना। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज, अलाइन इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, इम्प्रूव एम्पावर पीपल टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, मेजर इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली, सेलिब्रेट इम्प्रूवमेंट्स, लर्न मोर अबाउट अप्रोच, अगेन लर्न, अब आपको इम्प्रूवमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, कैपेबिलिटीज़ में, एक्टिविटीज़ में, लोगों को एम्पावर करने में, उनको ताकत दो, उनको हेल्प करो, फिर उनकी इम्प्रूवमेंट को मेजरमेंट भी करना है, फिर उसको सेलिब्रेट भी करना है, एन्जॉय भी करना है, उनको लोगों को बताना है देखिए इससे ये फ़ायदा हुआ, इस तरह की चीज़ें इंप्रूवमेंट में आती हैं। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, अब एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है, कई निर्णय ऐसे होते हैं जो पेपर में पहले ले लिए लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ अलग निकलता है, जब आप फ्लोर पे जाते हैं तो कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो उस पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एंश्योर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा, यूज़ एप्रोप्रिएट मेथड्स टू एनालाइज डेटा, कई बार मेथड गलत है, आपका एनालिसिस करने का मेथड ही गलत हो रहा है तो रिजल्ट गलत आएंगे। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस करना है अलग अलग टाइप से, उसके आधार पर डिसीजन होने चाहिए। बैलेंस डेटा एनालिसिस विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कई बार थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत अलग होता है, आपने कह दिया 8 घंटे की शिफ्ट होती है लेकिन 8 घंटे प्रैक्टिकल काम नहीं होता, हो सकता है काम 6 घंटे होता है, जो आप कह देंगे नहीं 8 घंटे करना ही करना है, तो ये एनालिसिस इस तरीके के धीरे धीरे TQM में अपने आप देख पाएंगे आगे। सी टूल्स फॉर द डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में ये भी चेक करना है क्या टूल काम में लिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो एम्प्लॉई या जो वर्कर काम कर रहा है उसके साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 25 साल का लड़का भी हो सकता है और 55 साल का भी एक अधेड़ उम्र का आदमी हो सकता है, तो आपको डिसीजन 8 घंटे के, 25 साल का आदमी 8 घंटे कैसे काम करेगा और 50 साल का आदमी 8 घंटे कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे टूल देखना पड़ेगा कि एक ही टूल से सबको नहीं आंक सकते, तो इस तरीके से आपको डिसीजन में देखना है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट सप्लायर्स टू मैनेज कॉस्ट, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड क्रिएट वैल्यूज, एस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, आपको एक्सपर्टीज अपने शेयर करने हैं, रिसोर्सेज शेयर करने हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, प्लान्स विथ पार्टनर्स, जो आपकी डिफरेंट कंपनीज हैं टाई अप है किसी के साथ में, तो आप सब आपस में शेयर करेंगे तभी TQM का पर्पस सर्व होगा। कोलेबोरेट एंड इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कोई अच्छी एक्टिविटी है जो हेल्प कर रही है उसको आपस में इनकॉर्पोरेट करें। रिकोगनाइज सप्लायर सक्सेसेस, लर्न मोर अबाउट सप्लायर क्वालिटी, जो सप्लायर होते हैं उनके साथ भी आपके एक अलग टाइप के रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है।